हाँ ओके हो गया फाइन. ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट था वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा था, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. अब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है. आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें केवल हम लोग वन डायमेंशन पे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मेरा इधर भी मूव कर रहा है और इधर भी मूव कर रहा है साथ साथ, तो बेसिकली टू डायमेंशन, एक्स में मूव कर रहा है वाई में भी मूव कर रहा है. तो ऐसा कुछ केस, ऐसा कोई नॉर्मल एग्जांपल बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट दो तरफ मूव कर रहा होता है. सर, बॉल को अगर फेंके तो, बॉल को अगर फेंके तो बास्केटबॉल को बेस्ट, अगर, हाँ कोई भी बास्केटबॉल, बॉल को तुम फेंको यस तो सर, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे हमने बॉल को फेंका तो बॉल यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा. अगर बॉल को फेंकोगे तो वो कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, यस सर, इस टाइप का मोशन. ये देखो बॉल आगे भी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो बेसिकली बॉल का मोशन टू डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है. और हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे. गोइंग अप स्टेयर्स, ठीक है आर्यन, बहुत सारा मोशन होगा. मतलब इनफैक्ट रियल लाइफ में जितने भी एग्जांपल है कोई भी वन डायमेंशन में तो नहीं होता है कि तुम बिल्कुल स्ट्रेट जाओ बिल्कुल स्ट्रेट वापस आओ, ऐसा तो होता नहीं है. हल्का इधर उधर हम लोग मूव करते ही है, तो टू डायमेंशन मोशन है. हम लोग टू डायमेंशन में भी अभी क्या करेंगे, केवल प्रोजेक्टाइल पे फोकस करेंगे. फॉर द नेक्स्ट थ्री लेक्चर्स केवल प्रोजेक्टाइल पे फोकस करेंगे, अलग अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल. अब हम लोग नॉर्मली जैसे मान लो छत पे कोई आदमी छत पे से बॉल गिरा दिया तो ये बॉल नीचे आया. इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक टू डायमेंशन मोशन है, स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशन मोशन है जिसमें इस डायरेक्शन में उसका स्पीड जीरो है. तो बेसिकली वन डायमेंशन की चीजों को भी हम लोग टू डायमेंशन की तरह बोल सकते हैं कि उसका दूसरा वाला कॉम्पोनेंट क्या है, जीरो है. तो एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हवा की वजह से भी वो सामने जा सकते हैं, मतलब हम लोग हर जगह पे एयर सामने रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे हैं, हर जगह पे. हम लोग बॉल को ऐसा भी फेंके हो सकते थे कि थोड़ा आगे की ओर फेंके होते तो बॉल कुछ इस तरह टाइप का गिरता, जा, ये यस भी हो सर, सकता था. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ग्राउंड पर खड़े हैं और मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया और वापस आ गया, ये भी हो सकता है. तो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे. तो ये वाला चीज तो हम लोग का हो चुका है, तो बेसिकली हम लोग इस पे फोकस करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में इस पे फोकस करेंगे, या फिर आज भी अगर टाइम मिला तो सेकेंड वाली चीज पे फोकस करेंगे. फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके. तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम लोग का एयर रेसिस्टेंस नहीं है, एज्यूम करेंगे, फिर बाद में लास्ट में देखेंगे कि एयर रेसिस्टेंस होगा. अगर एयर रेसिस्टेंस होगा तो फिर हम लोग क्या करना होगा कि कैसा बात होगा. अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है. इसमें अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो. सर वो जो तीसरा डायग्राम है नीचे वाला, वो नोट करना है? नहीं, ये तो मैं बस ऐसे, तुम इसमें कुछ नहीं नोट करो, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, बस मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ. अब इस वाले डायग्राम पे फोकस करते हैं, ये वाला डायग्राम कैसा है? कुछ इस टाइप का. अब अलग अलग पोजीशन में बॉल का बना रहा हूँ, से ऐसा अलग अलग पोजीशन है बॉल का, बॉल को मैंने फेंका है. मैं एक्सिस डिफाइन कर देता हूं. लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस किधर है? ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, मतलब ग्राउंड से ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको मैं वाई एक्सिस माना हूं. और
जो अपना बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज एक्स एक्सिस. तो पहले तो ये फील करो कि हम लोग हमेशा बॉल को दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, बॉल के मोशन को दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, अगर एयर डिस्टेंस सब इग्नोर कर रहे हैं तो. यस सर, यस सर, हमेशा हाँ कर सकते. ओके ये देखो, अगर मैं मान लो ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल है, मैं ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्टाइल मतलब बॉल फेंका, तो किसी हर बार हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, किसी दो एक्सिस में ब्रेक हर बार. जैसे मान लो ये वाला प्रोजेक्टाइल है, लेट्स से ये रेड वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये एक्सिस ले लेंगे और एक ये एक्सिस ले लेंगे, दो एक्सिस में ब्रेक हो गया दो डायरेक्शन में. सिमिलरली जैसे मान लो ये वाला प्रोजेक्टाइल है ग्रीन वाला, तो मैं उसको हाँ हर बार होगा प्रथम, अब हम लोग दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, तुम उसके 3D में सोचो तो ज्यादा बेटर विजुअलाइज होगा कि जिस डायरेक्शन में बॉल फेंका उस डायरेक्शन को एक एक्सिस मान लो और एक एक्सिस वर्टिकल अपवर्ड है, तो हमेशा हम लोग दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं. तो मैंने एक एक्सिस को मान लिया एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस को मान लिया वाई एक्सिस. तो ये जो पार्टिकल है, हाँ आर्यन, ये जो पार्टिकल है इसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इधर भी वेलोसिटी है ऊपर भी वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है इधर भी वेलोसिटी है, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है हर बार. हम लोग इसका बात करेंगे कि कितना होगा वेलोसिटी, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या क्या होगा. अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ठीक है. एक्चुअली में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, जीरो. जीरो अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो होगा, तो ऊपर की ओर कोई वेलोसिटी नहीं होगा, उसके बाद वेलोसिटी नीचे की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर तुम इसका वेलोसिटी प्रोफाइल देखो तो ये कुछ ऐसा होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी लिखो. तो लेट्स से मैं इस वाले वेलोसिटी को vx से रिप्रेजेंट करूंगा और ऊपर वाले स्पीड को vy से रिप्रेजेंट करूंगा. यार प्रथम तुम्हारा आवाज बस मुझे ब्रेक हुआ आ रहा है, सबको ब्रेक हुआ आ रहा है, सबको सर ब्रेक ही हुआ आ रहा है. अच्छा प्रथम टेक्स्ट कर दो ना या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, यही पे भी सर. हाँ मैं बुलेट के बारे में बोल रहा था, तो फिर वो गन की बुलेट के बारे में, तो फिर उसमें भी दो, उसमें भी तुम ब्रेक कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में. तुम बुलेट फेंको या फिर तुम एक छत पे से खड़े होके बॉल को ऐसे फेंको, बात सेम है, बुलेट भी ऐसे ही गिरेगा, सही आर्यन? यस सर. पर पहले बुलेट थोड़ा कांस्टेंट मतलब सीधे जाएगा फिर उसके बाद गिरेगा ना, जब उसकी ऐसा गिरेगा बुलेट. यस सर ठीक है, स्पीड कम नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं उसके मोशन पे, हम पूरा तुमको समझ में आएगा सारे चीज का मोशन अभी इस चैप्टर के अंदर ठीक है. अब देखो 2D मोशन ना, देयर इज नथिंग न्यू इन 2D मोशन. हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं v=u+at, s=ut+½at², v² = u² + 2as, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड इज u+a/2 × 2n-1, ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बस सही से लगाना होगा, बस सही से लगाना होगा. हम लोग एक्स एक्सिस के में जो चीज है उनको अलग ट्रीट करेंगे, जो वाई एक्सिस में जो चीज है उनको हम लोग अलग ट्रीट करेंगे, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं. जैसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे मान लो मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये वर्टिकल एक्सिस है,
मैंने बॉल को इधर की ओर फेंका, वी स्पीड से, एंगल है थीटा, तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा? वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और ऊपर की ओर स्पीड क्या होगा? वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस है, आई रिपीट, जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम इसको एक्स लो, हम लोग जनरली इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट बुक तुम्हारा यही चीज लेगा। अब इस मोशन का ऐसा कुछ होगा, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ, राइट? अब अलोंग एक्स, हाँ, अलोंग एक्स इधर लिखो, अलोंग वाई अलग लिखो, अलोंग एक्स बताओ इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में, मैंने किस स्पीड से फेंका? साइन थीटा, वी साइन थीटा, नहीं, एक्स एक्स डायरेक्शन में, कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या हो गया? वी cos theta, और along y initial speed क्या होगा? v sin theta, v sin theta, ठीक है। acceleration along x क्या होगा? x क्या है? horizontal है, horizontal direction में कोई acceleration है या नहीं है? air resistance ignore कर रहे हैं, negative 10 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं लगता ना, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, नेगेटिव 10, पॉजिटिव 10 नहीं, पॉजिटिव 10 भी नहीं, जीरो, सही है, डिपेंड्स। सोचो तुम अगर बॉल को यहाँ रख दिए तो तुमको ग्राउंड ऐसा कुछ फोर्स लगता है क्या इस डायरेक्शन में? कोई एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं ना, उस पर नीचे की ओर लगता है, तो ये तो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो acceleration along x is zero। अच्छा, acceleration along y क्या होगा? Negative 10। तो मैं minus z लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अगर acceleration नहीं है horizontal direction में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर instant पे horizontal direction में speed same रहेगा? Yes sir। तो यहाँ पर जो है, ये मेरा अगर vx है तो ये भी vx है, ये भी vx है, ये भी vx है, ये भी vx है, सारे के सारे क्या है? इक्वल होंगे, राइट? यस सर। तो एक नोट करके ऐसे लिख लेना, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट, और देखो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी along horizontal direction is constant। मैं आ रहा हूं next वाले slide पे। अच्छा, अब देखो, along x along y तुमको initial speed पता है, acceleration पता है, तो तुम displacement along x का क्या formula होगा? displacement along x is प्रसन्न, तुम मुंबई में नहीं हो क्या? कुछ ज्यादा ही तुम्हारा वाइफ का कहना। इसको हम लोग लिख सकते हैं uxt plus half axt square। इनिशियल हम लोग देखो sx का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो हम लोग u भी x वाला ले रहे हैं, a भी x वाला ले रहे हैं, ठीक है? तो ये बन जाएगा हम लोग का v cos theta into t, v cos theta into t, हाँ प्रथम, और ax तो जीरो हो गया, तो सीधा v cos theta t बन जाएगा, ठीक है? और displacement along y को क्या, एक काम करो, इसको u लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सब जगह तुम्हारे u u चलेगा। हाँ, और displacement along y को तुम क्या लिख सकते हो? u y t plus half a y t square। ओके प्रथम,
ठीक है, uy t plus half ay t square, और देखो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, sy is equals to u sin theta t minus half g t square, right? यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आपने वो कौन सा पॉइंट नोट करने को बोला था? ये पिछले वाले में मैं बताया था कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ओके सर। और ये वापस से यहाँ हिट किया, तो जब हिट किया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? जीरो। ये सब क्या चल रहा है? तो हम लोग लिख लेते हैं, when ball hits the ground, जब ball ground को वापस hit कर रहा है, तो displacement along y जो होगा वो zero होगा, और this implies displacement along y क्या था? U sin theta into t minus half g t square क्या होगा? Zero होगा। आया ना? Yes। और इसको हम लोग लिख सकते हैं u sin theta minus half g t into t equal to zero। यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहा है। This implies t zero होगा, तो t zero हम लोग क्या बता रहा है? इनिशियल पोजीशन, मतलब जब मैं फेंका था, स्टार्ट कराया था, उस टाइम भी तो displacement along y zero था, तो एक ये इंफॉर्मेशन बता रहा है, और दूसरा इंफॉर्मेशन बता रहा है, और t is equals to, इसको सॉल्व करो, तो क्या आएगा? और u sin theta is equals to half gt, और this implies t is equals to 2u sin theta by g। ये क्या, कौन सा टाइम मिला? y एक्सिस। ये हमें टाइम मिला कि कितने देर के बाद वो जो हमने बॉल फेंका है वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, राइट? ये वही टाइम। हाँ। ये देखो, हम लोग एस वाई को जीरो किए हैं, तो ये टी कौन सा टी है, मतलब ये जो हम लोग को टी मिला, ये कौन सा टी मिला कि बॉल वापस से जब यहाँ पर गिर गया, देखो यहाँ पर एस वाई जीरो तो यहाँ पर हुआ है, तो जब यहाँ पर बॉल गिरा है तो बेसिकली हमें क्या मिला कि यहाँ से यहाँ आने में बॉल को टाइम कितना लगा? जीरो। जीरो थोड़ी टाइम लगा श्रुति, तुरंत में कैसे पहुंच जाएगा यहाँ से वहां? दो टाइम मिला ना, एक ये वाला टाइम मिला t equal to zero, इसका मतलब जब मैंने फेंका था, और एक और टाइम मिला ये वाला 2u sin theta by g। तो ये हो गया कि हम लोग कितना टाइम में बॉल वापस से ग्राउंड को हिट किया, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला याद करना है, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। और जनरली हम लोग इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।
सर तो ये आपने अभी फार्मूला डिराइव किया है? हाँ ये फार्मूला डिराइव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला तुम्हारे स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फार्मूला तुमको याद हो जाएगा तुरंत में, इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रथम हम लोग अपने सिलेबस में ना बहुत सारे जगह सेम चीज को अलग अलग, मतलब टी को हम लोग टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा बहुत सारा वेरिएबल तुमको मिलेगा। आर्यन यू इज इनिशियल स्पीड, मैंने किसी स्पीड से फेंका बॉल को, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे दो मिनट। नहीं सर मैं बोल रहा था कि यू वाई एक्सिस का लेना है कि एक्स एक्सिस का? नहीं नहीं ये यू जो है ना, ये यू, ये यू है जिस स्पीड से मैं इधर फेंका हूँ, टिल्टेड फेंका हूँ, ये वाला यू। ओके सर ठीक है, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, और यू साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यू साइन थीटा को तुम यू वाई लिख सकते हो, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। प्रथम तुमको क्लियर हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा ना कि वो टी टेम्परेचर है या टाइम है, मतलब बाकी जगह जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना उसमें तुमको स्मॉल टी टाइम होता है, कैपिटल टी टेम्परेचर होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। प्रथम अभी फिल मारो उसके लिए, डन यहाँ तक हो गया? यस सर। हाँ हाँ प्रथमेश प्रथमेश तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और टेक्स्ट कर दो प्रथमेश। ओके ये वाला चीज देखो, ये जो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस पे मेरा बॉल ग्राउंड को हिट किया इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, इस डिस्टेंस को। तो कोई बता सकता है रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? रेंज का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए? अरे ये तो यू कॉट थीटा होगा ना? यू कॉट थीटा क्यों होगा, यू कॉस थीटा था ना, यू कॉस थीटा इनटू टी, सर कॉस थीटा टी भाई बोला था सर। हाँ तो रेंज क्या होगा, सही है, रेंज विल बी यू कॉस थीटा इनटू टी, और टी क्या पुट करें सर? हाँ आई नो लाइट आप क्या प्रेस, हाँ मेरे यहाँ पे लाइट। हाँ देखो मैंने हिट किया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ड्राइव किया टू यू साइन थीटा बाय जी, यहाँ तक तो आ गया था। हाँ सर। अब बस उसके बाद हम लोग रेंज स्टार्ट किए, रेंजेस की कितने डिस्टेंस पे बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो हम लोग का एस एक्स जो है वो हम लोग लिख रहे हैं क्या, वी कॉस थीटा इनटू टी। हाँ सर। राइट। यस सर। तो रेंज होगा वो क्या, वी कॉस, यू कॉस थीटा इनटू टी, और टी कौन सा टी, जितने देर के लिए वो बॉल हवा में रहा, दैट इज यू कॉस थीटा इनटू टी जो था वो टू यू साइन थीटा बाय जी आया था, राइट? हाँ सर। हाँ जेई वाले ये क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इनफैक्ट सब लोग साइन टू है, साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये मेरा रेंज का फॉर्मूला बन गया। ये भी याद करना है, रिमेम्बर, जो भी मैं बॉक्स में बनाऊंगा ना वो याद करने वाला चीज है। रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री। ये सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मैक्सिमम साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब टू थीटा 90 होगा और थीटा 45 होगा।
डन सर. हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो. चलो पहले प्रूफ कर लेते हैं उसके बाद या फिर नोट कर लो. रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. हाँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी, मतलब जब हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर बॉल को फेंकेंगे ना, जब हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर बॉल को फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा. Okay, सबसे ज्यादा दूर गिरेगा रेंज. रेंज विल बी मैक्सिमम, सॉरी रेंज विल बी इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? Sum is 90. इसको प्रूफ करना है तुम लोगों को कि इन दोनों के लिए रेंज सेम होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. रेंज हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस होता है ना ग्राउंड टू ग्राउंड में, जब हम लोग ग्राउंड से फेंके और वापस से ग्राउंड पे आया तो वो जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग रेंज बोलते हैं श्रुति. हाँ ये प्रूफ करना है लास्ट पॉइंट. तुम ये यूज कर सकते हो, हिंट है, हिंट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ओके प्रथम वर्ड. प्रथम वैल्यू पुट करके नहीं करना है कि 60 और 30 के लिए सेम आ रहा है, वैसे नहीं. तुमको 41 और 49 के लिए भी तुमको प्रूफ करना पड़ सकता है ना. तो वैल्यू पुट करके नहीं देखना है, जब प्रूफ बोला जाए तो थीटा पे प्रूफ करना है. ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि थीटा 45 पे मैक्सिमम होता है और कॉम्प्लीमेंट्री पे सेम होता है. चलो देखते हैं किसको ये अब पास पहुंच रहा है सॉल्यूशन के. देखो रेंज है हमारे पास, रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला है रेंज का. अब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा? Sin 2 theta. Sin 2 theta? तो मैं range को ये भी तो लिख सकता हूँ, u square sine 180 minus 2 theta by g. Sin 2 theta को मैं लिख दिया 180 minus 2 theta. आया ना? Yes sir. अच्छा इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है राइट? मतलब 2 थीटा साइन 2 थीटा और साइन 182 माइनस 2 थीटा, इसको तुम ऐसा लिख लो, एक और स्टेप लिख दो यहाँ पे, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी लिख सकते हैं. तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज फॉर
थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम, या गया क्या? और थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज सेम होगा, ये दिख रहा है क्या? यस सर। यस, यही तो हमें प्रूफ करना था कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये सबको फील आया या नहीं? यस सर। ओके, हाँ प्रथमेश, प्रथमेश देखो, मैंने साइन साइन टू थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं ना 180 माइनस टू थीटा, तो टू थीटा की जगह पे मैंने 180 माइनस टू थीटा पुट किया, उसमें से टू बाहर निकाल लो कॉमन, तो 90 माइनस थीटा बन गया। अब ये इधर वाला चीज तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, तो 90 माइनस थीटा, ये टर्म है 90 माइनस थीटा और ये टर्म है थीटा, इन दोनों के लिए रेंज सेम है प्रथमेश? तो लास्ट स्टूडेंट ही लिख दिया फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके, रेंजो को नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला मिला, एक मिला टाइम ऑफ फ्लाइट का और एक मिला रेंज का। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? ये जो हाइट है ना, इस पे नहीं बनाता हूँ, ये जो हाइट है इस वाले को हम लोग बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ये वाला हाइट जो होता है उसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। सर यहाँ पे हाँ? बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट बार बार आ जा रही है, वाईफाई पे चल रहा था। सर आप वापस एक बार बता सकते हो कट हुआ था मीटिंग कहाँ तक थे? सर यहाँ से, यहाँ यहाँ से बस, यहाँ के आगे हम लोग कुछ नहीं किया, बस अभी नेक्स्ट स्टार्ट ही किया। सर यही बताओ आप वापस किसी के, अच्छा? यही नहीं समझ में आया। देखो ये टू, ये देखो टू साइन 180 माइनस टू थीटा को मैंने साइन टू थीटा लिख सकते हैं, तो टू थीटा की जगह मैंने 180 माइनस टू थीटा पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है दोनों। और वहां से तुम टू कॉमन ले लो तो वो 90 माइनस थीटा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम है। ओके अच्छा, मैक्सिमम हाइट का बात करो तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन देखो, एस वाई वाला, यू वाई टी मतलब u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लास्ट वाला। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे इसको क्या करना है, एस वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट? कैसे निकाले? अगर एस वाई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सर मैक्सिमम हाइट तो डिस्प्लेसमेंट है उसके हाफ पाथ पे होगी ना। ठीक है, हाफ पाथ पे होगी, मतलब टी को मैं टी बाई टू पुट कर दूं, मतलब टी को टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू पुट कर दूं। हाँ सर, ठीक है, एक वो तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? पर सर उधर मतलब उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो जीरो नहीं होगा ना सर। हाँ वो डिजिटल नहीं होगा, नहीं नहीं मतलब तुमने जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो सही है कि जब मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने में अगर मुझे टाइम टी लगा, टी इज टू यू साइन थीटा बाय जी, तो मुझे हाफ पाथ पे आने पे यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो लगा होगा वो लगा होगा यू साइन थीटा बाय जी। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। ये कर सकते हैं ना,
ये बन जाएगा u sin theta upon g minus half g u square sin square theta upon g square. तो ये बन गया u square sin square theta upon g minus u square sin square theta upon 2g. Right? तो यहां से बन गया this implies sy, इसको हम लोग h max बोलेंगे. That is u square sin square theta upon 2g. ये भी हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, एच मैक्स का फॉर्मूला. और ये तो ध्यान ही रखना है कि ये रेंज होता है, रेंज क्या हो, किसको हम लोग रेंज बोलते हैं, किसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, ये होता है एच मैक्स. ठीक है, एक छोटा सा और डायग्राम और बचा है, फिर क्वेश्चन देखते हैं. डन? यस. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? जैसे जो पाथ फॉलो कर रहा है y और x, तो बेसिकली ये जो पाथ फॉलो करना है ना, इसका इक्वेशन क्या है, y और x में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो देखो हमारे पास रिलेशन था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज u cos theta into t. इसको मैं x बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए. आदित्य ओमेगा को अगेन हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीज होता है ओमेगा. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास t equals to x upon u cos theta. और हमारे पास sy था u sin theta t minus half g t square. t को ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले में, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू u sin theta into, हाँ आदित्य, u sin theta into x upon u cos theta माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये बन जाएगा यू यू कैंसिल, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको. तो और ये कैसा है पाथ, है सर्कुलर, सर्कुलर है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है? ये तुम लोगों को पता है क्या कैसे फाइंड करते हैं?
अरे बोला पैरा बोला है ये पैरा पैरा बोला पैरा बोला है पैराबोलिक पाथ हम लोग बोलते हैं जो एक वेरिएबल में स्क्वायर हो और दूसरा वेरिएबल में पावर वन हो तो वो फंक्शन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है एक में स्क्वायर और एक वेरिएबल में पावर वन पैराबोलिक पाथ पैराबोला होता है तो ये जो पाथ होगा ये पैराबोलिक इन नेचर होगा सर इसमें एक्स क्या है एक्स है कि डिस्टेंस पे है तो ये वाले पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे फाइन नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा ये क्वेश्चन तुम लोग को याद करना है अगेन बॉक्स में हमारे पास इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक काम करो इसको हम लोग टैन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या इस वाले टर्म को अगर मैं टैन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत है no, sir. नहीं अब मैं क्या करता हूँ x tan theta कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म में से तो x tan theta ये बच गया वन माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एक कॉस थीटा और एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया x tan theta into 1 minus g u square sin theta क्या बन गया sin 2 theta और देखो ये वाला टर्म क्या बन गया कोई फॉर्मूला भी डिराइव किए थे क्या ऐसा वो किसी का फॉर्मूला है क्या रेंज का फॉर्मूला देखो u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g तो हमारे पास एक ये वाला भी रिलेशन हो गया तुमको अगर पिछला वाला रिलेशन याद करने में दिक्कत होगा तो तुम ये वाला रिलेशन भी याद कर सकते हो सर आप एक मिनट पिछला पेज कर सकते हो हाँ ओके थैंक यू सर ओके ठीक है चलो आप क्वेश्चन देखते हैं डन यस सर तो एक बार रिकैप जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं हमने सबसे पहले डिराइव किया टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज टू यू साइन थीटा बाय जी सेकंड हमने डिराइव किया रेंज रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इसमें हमने देखा कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा इज इक्वल्स टू यू फोर्थ हमने डिराइव किया वाई इज एक्स टैन थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर थीटा
या फिर y is equals to x tan theta into 1 minus x by r. These two are equation of trajectory. एक मिनट रुको सर. हो गया क्वेश्चन. अ बॉल इज थ्रोन क्या हो रहा है is thrown with a speed of 60 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. First, time of flight. Second, range. Third, maximum height. Fourth, equation of trajectory. ध्यान देना ये वाला टर्म, सीधा सॉल्व मत कर देना. 30 डिग्री विद द वर्टिकल, हमने जो ड्राइव किया उसमें थीटा कहीं और से मेजर किया गया था. हाँ, इसका डाउट था. इसमें क्या लेंगे हम लोग थीटा को? 60 डिग्री. हाँ प्रथम 60 डिग्री. हाँ, मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है कि बॉल को इधर फायर किया गया 60 मीटर पर सेकंड से और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री. Thank you.
मतलब सारे सॉल्व कर लो उसके देखते हैं, मतलब मुझे ऐसे नहीं पता, मैं ऐसे ही डेटा दिया हूं। फोर तक सॉल्व करना फिर बताना, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारा नोट कर लियो ना साइड पे, क्वेश्चन लिख दिया चाहिए, फिर इतना कर लो, फिर आगे क्वेश्चन और लिखते हैं। इसमें हम लोग 10-11 क्वेश्चंस एक साथ कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में x क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर में x था ये डिस्टेंस, मतलब जैसे यहाँ पर x 20 मीटर पूछा है ना। यस सर। हाँ नवीन, ये कोई भी x कोऑर्डिनेट, किसी भी x, कोई भी x हो सकता है, किसी भी x पे तुम, अगर तुम x का वैल्यू डालो ना यहाँ पे। हाँ सर। तो कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? तुम x का वैल्यू डालोगे तुम्हें कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। तुम इसको एक काम करो, इसको x 20, 30 कर लो, दोनों पे निकाल के देख लो, तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बस फॉर्मूला पुट करना है, कुछ भी नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? 2u sin theta by g, तो a हो गया, सर सर इज नॉट इन द मीटिंग, सर आवाज नहीं। अरे सर इज नॉट इन द मीटिंग, सम प्रॉब्लम इज देयर, ही विल जॉइन।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? हाँ सर, आ रही है okay. आवाज। Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, तो हम लोग थे टाइम ऑफ फ्लाइट पे। ए, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। यू हम लोग का था 60 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा साइन 60 हो गया, साइन 60 बाई जी। तो ये आ गया 2 इंटू 60 इंटू रूट 3 बाई 2 अपॉन 10, और ये आ गया 6√3 सेकेंड। सेकेंड पार्ट था, बी पार्ट क्या था क्वेश्चन में? एच मैक्स या रेंज? रेंज। हाँ अच्छा, एक मिनट, एक अच्छा डाउट आया। हाँ श्रुति, सर जी को माइनस टू क्यों नहीं लेंगे? तुम बताओ। कोई भी जी को माइनस टेन क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि आपने वो पहले बताया था कि अपवर्ड पे मतलब ग्रेविटेशनल पुल का सिग्निफिकेंस आपने पहले बताया था। नहीं 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 नहीं, कोई और? एक बार डेरिवेशन देखो। मैंने जब वहां पर श्रुति एस वाई लिखा था, तो एस वाई देखो क्या लिखा था। यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा था यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। राइट श्रुति? तो मैं जब डेरिवेशन कर रहा हूँ ना, उसी टाइम मैंने एक्सलेशन को क्या पुट कर दिया, माइनस जी पुट कर दिया। तब दो बार माइनस नहीं पुट करना पड़ेगा ना मुझे। फील आ गया? तो नेक्स्ट आता है। अब देखो ऐसे भी तुम अगर माइनस पुट करते तो तुमको माइनस 6√3 सेकंड आ जाता, उसका कोई मतलब नहीं था। सर रूट थ्री का वैल्यू भी ले सकते हैं ना सेकंड्स निकालने के लिए? निकाल सकते हो, यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है सर, हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे। रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर हो गया 60 इंटू 60 साइन 2 थीटा, मतलब साइन 120। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? साइन 120 कितना होगा? साइन 60 के बराबर। तो 360 इंटू 6 360 इंटू साइन 60 इज रूट 3 बाई 2। तो ये आ गया 180 रूट 3 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सी पार्ट था एच मैक्स, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया यू स्क्वायर इज 3600 साइन 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2 उसका स्क्वायर। तो रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 3/4 इंटू 2g। ओके, इससे ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काट दो तो 90। तो ये हो गया 270 बाई 2, दैट इज 135 मीटर। सबका सेम आंसर आया? यस सर। ओके नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये नोट करना है किसी को तो नोट कर लो जल्दी से। सर फोर्थ वाले में एक्स क्या लेंगे? एक्स को हम लोग एक्स ही छोड़ देंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब मुझे लिखना होता है ना, तो हम लोग एक्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। वो तुमको बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या बताता है कि अलग अलग एक्स के वैल्यू पे अलग अलग वाई का क्या वैल्यू आएगा। सर आपने तो बोला था 20 और 30 लेना है। वो फिफ्थ पार्ट था ना, फोर्थ पार्ट था इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो फोर्थ पार्ट अगर हम लोग निकाल लो, फोर्थ पार्ट था डी, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये फार्मूला थोड़ा टाइम में याद हो जाएगा। सर दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? हाँ, दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके सर। tan 60 इज रूट 3। मैक्स 180 क्यों नहीं आया? 130 है कैसे? सॉल्व करके, जैसे ये फार्मूला तुमने यही लगाया ना? मैंने भी 180 आया था, वो 2 मिस हो गया था। कौन सा मिस हुआ? तो 2g है ना नीचे, 2 मिस हो गया। तो फिर तुम्हारा 270 आता ना आंसर?
अगर टू मिस हुआ था तो 180 कैसे आया? हाँ सर, मेरा तो 270 आया था। तुम्हारा भी 2 मिस हुआ था? नहीं, 180 हाँ। जिसका आया वो कैसे आया 180? सर मैंने तो और सर दिक्कत हो गई, गलती कर दी सर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। मिल गई सर। मिल गई, ओके। सर वो कैसे आया 2 नीचे? फॉर्मूला है वो प्रथमेश, यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके सर, अच्छा ओके सर, मुझे लगा वो ऊपर वाला। ओके सर समझा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, cos 60 इज 1/2, तो cos स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये आ गया रूट 3x माइनस, इससे ये कट गया, ये कितना जाएगा 90, 2 जा 180 माइनस x स्क्वायर बाई 180। सेम आंसर आया? या कुछ और आया? अगर तुम लोग उस फॉर्मूला से करते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r, तो यहां से भी देखो वही फॉर्म आ जाता है, x tan थीटा इज रूट 3 इंटू 1 माइनस x अपॉन, रेंज कितना आया था 180 रूट 3। यहाँ पर रेंज को पुट करो, 180 रूट 3, देखो सेम आ जाएगा। ओपन करो, x रूट 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 180, देखो सेम है क्या, है ना? Yes. तो तुम किसी भी फॉर्मूला से लाओ, आंसर सेम आएगा। डन तुमको बताना था कि फाइंड द क्वेश्चन क्या था, वाई कोऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू 20 एंड एक्स इक्वल टू 30। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, इसमें कुछ नोट करना है किसी को? नो सर। नो सर, डन। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट। सर एक मिनट, एक मिनट। डन सर। ओके नेक्स्ट। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में एक्स के टर्म में छोड़ेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तुमको अलग अलग पॉइंट में बता रहा है ना, तुमको सारे पॉइंट का बता रहा है, हर पॉइंट का तुमको एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू बता रहा है, तो तुम उसमें कुछ वैल्यू पुट नहीं करोगे ना, फिर तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा। ई पार्ट, एट एक्स इक्वल टू, पहला पार्ट है एक्स इक्वल टू 20, हमारे क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर 180। तो ये बन जाएगा x को 20 पुट कर, तो 20 रूट 3 माइनस 400 by 180। मतलब x का वैल्यू 20 रहा होगा, यहाँ पर x का वैल्यू में 20 रहा होगा, वहां पर y का वैल्यू ये आएगा। और at x equal to, सबके लिए या तुम्हारे लिए? सबके लिए स्क्रीन पर होगा। सर आपका आवाज था, बट अब आ गया। सर आपका आवाज भी हल्का सा, आपका आवाज भी कट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये कुछ नहीं है। अभी आ रहा है ये वाला एबीसी वाला, ये नहीं आ रहा। नाइस है, आ रहा है सर, बस y इज इक्वल टू आ रहा है, हार्ट रुका हुआ है। क्या हो गया इसको? वेट अ मिनट, अब आ गया सर। अभी आ रहा है पूरा, ये आ रहा है लिखा हुआ? यस सर। यस सर।
ठीक है हाँ, तो हम लोग थे कि x इक्वल टू 20 पे ईप का एट x इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस x स्क्वायर बाई 180 था ना, तो x स्क्वायर बाई 180 और b पार्ट एट x इक्वल टू 30 y जो होगा वो होगा रूट 3x मतलब रूट 3 इंटू 30 यहाँ पर भी x को 30 पुट करो तो 30 रूट 3 माइनस 900 बाई 180 दैट इज 30 रूट 3 माइनस 5 तो तुमको बेसिकली अलग अलग x के वैल्यू पे अलग अलग वो मिल रहा है राइट नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पार्ट एफ वेलोसिटी अलोंग वाई बस उतना ही सॉल्व करना है हाँ बस उतना ही उसके आगे तुमको सिंपलीफाई करने का जरूरत नहीं है ओके सर मैंने तो कर दिया अच्छा दोनों ओके स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी मतलब यहाँ पर भी बस तुमको मैग्नीट्यूड बताना है वाई के लॉन्ग एफ पार्ट में ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो हाँ हो जाएगा तो बताना एफ हुआ एफ वाला पार्ट हो गया मेरी आवाज आ रही है ना यस हाँ एफ वाला पार्ट देखो अलोंग वाई तुम स्टार्ट करो अलोंग वाई इनिशियल स्पीड क्या था अलोंग वाई इनिशियल स्पीड लॉन्ग वाई क्या रहा होगा नहीं
30 root 3 60 sin 60 होगा ना इधर वाला कंपोनेंट 60 cos 60 और ये वाला कंपोनेंट 60 sin 60 तो इनिशियल स्पीड अलोंग y इज 60 sin 60 दैट इज 30 root 3 एक्सेलरेशन अलोंग y इज -10 और टाइम 3 सेकंड दिया हुआ है तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा vy क्या होगा vy विल बी uy plus ayt that is uy is 30 root 3 minus 10 into 3 that is 30 root 3 minus 30 ये समझ में आया बिल्कुल जो फॉर्मूलाज हमारे पास पहले से है वही सारे फॉर्मूलाज लगेंगे चलो रे मैं वो नहीं लगेगा क्या s क्या नहीं लगेगा मतलब सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो कब लगता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कब लगता है जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा ना फिर जब जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब velocity equal to displacement upon time लगता है तो यहाँ पर acceleration zero नहीं है ना earth pull कर रहा है ना उसको g से right yes sir next speed at t equal to 3 second speed कैसे निकाले स्पीड यही होगा 30 root 3 minus 30 या कुछ और होगा ये तो लॉन्ग वाई है तो देखो प्रोजेक्टाइल बनाओ इसका ऊपर की ओर स्पीड जो है uy 3 सेकंड के बाद ये 30 root 3 minus 30 और इधर की ओर कितना स्पीड है इस डायरेक्शन में 30 है क्या और ये स्पीड हम लोग को पता है चेंज नहीं करता है तो हर इंस्टेंट पे ये स्पीड कितना रहेगा 30 ही रहेगा ये आ रहा है फील या नहीं आ रहा Yes, sir. तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा जी पार्ट देयरफॉर स्पीड इक्वल टू अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 30 रूट 3 माइनस 30 होल स्क्वायर 30 कॉमन ले लो तो अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको सिंपलीफाई करना होगा तो सिंपलीफाई कर सकते हैं नहीं तो ऑप्शन ऐसा ही भी दिया होगा ये समझ में आया या नहीं आया नहीं आया सर नहीं आया नहीं समझा सर ओके स्पीड मतलब क्या होता है मतलब देखो ऑप्शन क्वेश्चन और एफ और जी में क्या डिफरेंस है एफ में पूछा था कि वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा राइट तो एफ समझ में आया तुमको Yes, sir, समझ में F वाला पार्ट हो गया हाँ अच्छा अब देखो 3 सेकंड है यहाँ पर भी 3 सेकंड है तो मतलब y डायरेक्शन में तो मैंने स्पीड निकाल रखा है 30 root 3 minus 30 right और yes, sir. और x डायरेक्शन में मुझे पता है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा सेम रहेगा हाँ या ना yes, sir. ये समझ में आ रहा है तो x डायरेक्शन में देखो स्पीड कितना हो गया x डायरेक्शन में स्पीड 30 रहा तो तुम्हारा दो है तुम इस दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल है 90 डिग्री तो तुम लोग कैसे ऐड करते थे याद करो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 तो cos 90 वाला तो टर्म जीरो ही हो जाएगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखो वही किया क्या ओके okay? Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट हाँ किसी को डाउट इसमें या हो गया क्लियर मेरे 30 root 3 minus 30 ये स्पीड है along y हाँ तो long y
हाँ along y तुम्हारा स्पीड है और 30 जो है वो along x तुम्हारा स्पीड है क्योंकि सर डायरेक्शन दे रखी है y एक्सिस हाँ और नेक्स्ट तुमसे पूछा है कि h पार्ट एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल एट 3 सेकंड एंगल कितना होगा तो प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में तो तुमसे बेसिकली ये एंगल पूछ रहा है फाई कितना होगा कैसे पता है नहीं हिंट नहीं हिंट एक ट्रक इधर जा रहा है 60 के स्पीड से 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या फिर 60 नहीं लो 30 के स्पीड से और ऊपर जा रहा है 40 के स्पीड से तो ये ट्रक इधर ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री तो सेम काम वहां पर कर दो हम लोग क्या लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू दिस रेड वाला कॉम्पोनेंट अपॉन ये ग्रीन वाला कॉम्पोनेंट तो tan phi इज इक्वल टू 30√3 − 30/30 और दिस इम्प्लाइज tan phi इज इक्वल टू √3 − 1 अब इसका वैल्यू नहीं पता तो हम लोग क्या लिखेंगे phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 − 1 ये हो जाएगा आंसर राइट यस सर ठीक है ठीक है तुम लोग एक क्वेश्चन और करो जो हो गया एंगल का भी हो गया एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हो जाएगा डायरेक्ट इसमें जो फॉर्मूला लगाना है उसमें तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करते हैं जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पर प्लेयर ए है ये प्लेयर ए है लेट्स से इसके पास एक फुटबॉल है ये गोल पोस्ट है जैसा भी गोल पोस्ट है ये यहाँ पर गोल कीपर खड़ा है अब इस बॉल को मारा विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री था ना हाँ 60 डिग्री लेट्स से मैं सेम डेटा ले रहा हूँ जो वहां पर था ये डिस्टेंस है 540 मीटर अब ये वाला जो आदमी है ना ये जो गोलकीपर है ये चाहता है ये इस बॉल को कैच कर ले यहाँ पे ठीक है अब जैसे ही ये किक किया गोलकीपर स्टार्ट किया भागना विद अ कांस्टेंट स्पीड गोलकीपर भागा कांस्टेंट स्पीड वी से तो तुमको बताना है कि कांस्टेंट स्पीड वी क्या हो ताकि वो कैच कर ले फाइंड द कॉन्स्टेंट स्पीड वी विथ विच गोलकीपर शुड रन To catch the ball. हम लोग assume करेंगे कि lowest point पे catch कर रहा है, मतलब एकदम bottom पे catch कर रहा है।
सर बॉल गोल के आगे गिर रहा है मतलब पूरा 540 मीटर कवर नहीं कर रहा है नहीं वो कैसे निकालोगे कहां पर गिर रहा है मतलब हो सकता है गोल पे गिर जाए तो वो तुमको चेक करना पड़ेगा वैसे मैं ऐसा डेटा दिया हूं कि गोल पे नहीं गिरेगा शायद हाँ जितने रेंज निकालना है तो बेसिकली रेंज निकालोगे तो तुमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा और शायद इस सेम डेटा के लिए तुम रेंज निकाल चुके हो शायद एक बार देखना पिछला वाला क्वेश्चन शायद डेटा सेम था शायद यस सर यस सर तो ठीक है तो रेंज कितना आया था वहां पे 180 रूट 3 हाँ ठीक है आदित्य तो ये वाला ये आ गया 180 रूट 3 तो 180 रूट 3 540 से बड़ा या कम है कम है तो डेफिनेटली गोल पोस्ट के आगे गिरता है राइट तो ये डिस्टेंस कितना होगा 540 माइनस 180 रूट 3 अब आगे सॉल्व करो रूट 3 को 1.732 मत पुट करना वो लास्ट में पुट करना अगर कुछ नहीं होगा तो नहीं तो उसी के फॉर्म में आंसर रहेगा हम लोग कभी भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे हाँ अब बताओ क्या किया जाए तुमको डिस्टेंस पता चल गया कि गोलकीपर को कितना टाइम में ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितने टाइम में ट्रैवल करना है गोलकीपर को टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल क्योंकि उतना ही टाइम है गोलकीपर के पास तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा इस केस के लिए ये भी हमने निकाल रखा है शायद 6√3 हाँ 6√3 तो इसको डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना है कितने टाइम में 6√3 में तो उसका स्पीड क्या होगा और कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे स्पीड मिल जाएगा 540 माइनस 180√3 अपॉन 6√3 तो कैंसिल हो गया ये बन गया 6 से काटो तो 30√3 - 1 इतना मीटर पर सेकेंड से उसको भागना पड़ेगा राइट यस ये सिंपलीफाई नहीं किया तो चलेगा ना हाँ ये स्पीड हो सकता है कि नहीं आदमी का ये स्पीड पॉसिबल है या नहीं है या फिर उस आदमी को सुपरमैन होना पड़ेगा ये स्पीड अटेन करने के लिए नहीं सर कर सकता है पॉसिबल है श्योर आई डोंट थिंक सो एक मिनट इस स्पीड में वो कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ रहा है 79.05 किलोमीटर पर आवर पॉसिबल है कितना रहा सर 79.05 किलोमीटर पर आवर उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो परफेक्ट नहीं है नहीं सर पॉसिबल नहीं है हां अरे तो ये पॉसिबल नहीं है ये वो कैच कर ले 21 आ रहा है सर 21 आ रहा है 21 तो तुम्हारा मीटर पर सेकंड में है ना सर 21. हां सर 21.9 आ रहा है 21.9 मीटर पर सेकंड तो तुम 21.9 मीटर भी नहीं ट्रैवल कर सकते यार एक सेकंड में कुछ भी कर लो 21.9 मीटर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 79 किलोमीटर पर आवर
तो इतना हम लोग इतना स्पीड में हम लोग दौड़ नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? नो सर. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो तुम नहीं यार, ये क्वेश्चन तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, तुम्हारे बुक लेक्चर में है ही. वेट, फिर हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. तुम लोग बुकलेट का क्वेश्चन नंबर कहाँ गया वो आज रात में ट्राई कर लेना. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, ये दो बिल्डिंग, यहाँ पर एक बिल्डिंग था एच हाइट का, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग था एच हाइट का, ये दोनों को क्रॉस किया, मतलब जस्ट क्रॉस कर रहा है, जस्ट क्रॉस किया है उसको, और इसको हमने प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका था एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू जीरो. इसको मैंने ऐसे फेंका था. अब ये दोनों बिल्डिंग को क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और इसको क्रॉस कर रहा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे. तो बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया होगा. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? ये क्वेश्चन भी अच्छा है यार, खुद से करना चाहिए. ठीक है, कोई आइडिया किसी को कैसे प्रोसीड करें? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा टोटल इसका? Five सेकेंड? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपल है, 4 सेकेंड.
4 सेकंड फील आ रहा है सबको या नहीं? आज आप फॉर करती हूँ। ठीक है, सर इसमें यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। फोर सेकंड कैसे है? ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको? वन सेकंड। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? टू सेकंड्स। तो क्या ये वाला यहाँ से यहाँ और ये वाला जो पाथ है, ये दोनों आइडेंटिकल है? येलो और ग्रीन, ठीक है। तो येलो वाले में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। यस, टाइम ऑफ लाइट होगा 4 सेकंड। ओके सर। सर हम फिगर देख के कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या फिगर देख के ये कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, फिगर देख के नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं सर। फिर आपने तो अभी ऐसे किया ना। अच्छा, मतलब फिगर देख के क्या टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। हाँ, टाइम ऑफ लाइट ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो भी हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों सेम हैं। अगर दोनों इक्वल हाइट पे है तो फिर दोनों सेम है श्रुति। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा। इसको मैं t इक्वल टू 0 पे फेंका हूं तो ये डिस्टेंस u cos थीटा होगा क्या? u cos थीटा। यस सर। यस u cos थीटा * 1, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 2u cos थीटा होगा और ये वाला डिस्टेंस वापस से u cos थीटा होगा, राइट? और इसका रेंज हो जाएगा 4u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड्स। अब क्या किया जाए? अब देखो, तुमको यहां पर चाहिए ना मैक्सिमम हाइट बीच में होगा, तो y इज इक्वल टू, तुमको बेसिकली y कोऑर्डिनेट चाहिए, x tan थीटा इंटू 1 - x/r, राइट? और x क्या होगा इस पॉइंट पर? x का वैल्यू होगा 2u cos थीटा, ये डिस्टेंस, हाँ या ना? Yes, तो ये आगे x को तुम पुट कर दो 2u cos थीटा, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 2u cos theta into tan theta into 1 - 1/2। देखो x by r क्या हो जाएगा, x जो है वो रेंज का आधा है एग्जैक्टली, तो ये बन जाएगा 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, cos theta और u sin theta बच जाएगा, राइट? आप वापस एक बार बता सकते हो? ठीक है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रथम समझ में आया? हाँ सर, वो सब समझ में आया। अपने नीचे बाद में ग्रीन में लिखा है ना y = x tan theta, वो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। हाँ सर। अब देखो, जब हम लोग का, हाँ, जब हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट पर था, हाईएस्ट पॉइंट पे कब होगा? जब ये मिड पॉइंट पे होगा। हाँ सर। टोटल डिस्टेंस 4u cos थीटा है, तो मिड पॉइंट मतलब 2u cos थीटा। हां सर। तो x को बस मैंने 2u cos थीटा पुट कर दिया। ओके सर। ये नहीं समझ में आया सबको या नहीं आया? यस सर। और कुछ कर सकते हैं क्या? u sin थीटा हमारे पास आ गया, अब कुछ किया सकता है? यही पे आंसर, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, देखो अलोंग वाई बात करो, अलोंग वाई तो इनिशियल स्पीड क्या था? यू साइन थीटा,
और एक्सलेशन अलोंग वाई इज माइनस जी, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो टाइम 2 सेकेंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा इंटू टू माइनस 5t स्क्वायर, और ये मुझे दिया हुआ है यू साइन थीटा, हाँ या ना? नहीं, वेट, यहां तक कोई दिक्कत है? ऊपर वाले तक, यहां तक रेड वाले में अलोंग वाई देखो, अलोंग वाई इनिशियल स्पीड क्या है? यू साइन थीटा, राइट? यस सर। और एक्सलेशन अलोंग वाई क्या है? माइनस जी, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड, टोटल टाइम 4 सेकेंड है। यस सर। तो हाईएस्ट टाइम पे 2 सेकेंड पे पहुंचेगा, तो टाइम 2 सेकेंड होगा, तो मैं एस वाई का ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बस यू को पुट कर दो, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2u sin थीटा माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू एस वाई, क्या दे रखा है एस वाई? मुझे पता है u sin थीटा अभी मैंने कैलकुलेट किया, राइट? एस वाई को मैं u sin थीटा कैलकुलेट किया, अब देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास, सॉल्व करो इसको। क्या 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 श्रुति? y u sin थीटा ना, तो s y u sin थीटा कैसे हुआ? s y और y में क्या डिफरेंस है? s y क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, और y तुम्हें क्या बता रहा है? y कोऑर्डिनेट, दोनों सेम चीज ही हुआ ना, हम लोग इंटरकन्वर्सली यूज कर सकते हैं ना। ओके, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 20 मीटर। हम लोग u sin थीटा पे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, u sin थीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट इज 20 मीटर। डन, एक सेकंड। डन सर। ओके, तो तुम लोग के ग्रुप पे मैंने असाइनमेंट डाल दिया है, कल अपना कुछ है क्या? कल हम लोग कल नहीं मिल रहे ना शायद? नहीं सर, परसों। ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करना ये पूरा एक्सरसाइज परसों तक खत्म हो जाए, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज तक ही हम लोग का टेस्ट में रहेगा, तो ये एक्सरसाइज तक ट्राई करना कि खत्म हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. सब कुछ समझ में आया है सर? स्लाइड्स बीच में नेटवर्क चला गया था यार, कुछ ही स्लाइड्स है मेरे पास। चलो यूट्यूब पे अपलोड होता है तो मैं डालता हूँ, ठीक है, वहां से स्लाइड्स लेना पड़ेगा। हाँ प्रथमेश, होमवर्क तुम्हारे ग्रुप पे मैं भेज दिया हूँ, लेक्चर 6 का असाइनमेंट ट्यूटोरियल भेज दिया हूँ आंसर की के साथ सर। और वो एचसी वर्मा के आगे के क्वेश्चंस करने? नहीं, एचसी वर्मा अभी वहीं तक, जहाँ तक मैंने बताया था ना वहाँ तक करने। ओके बाय सर। ओके, हाँ प्रथमेश, डाउट? सर मतलब डाउट ऐसा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी आपने जो एक क्वेश्चन बताया था उसमें tan phi लिखा था, उसके वजह tan theta भी लिख सकते थे ना हम? मतलब आपने पर्टिकुलरली ऐसा tan phi? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम अगर यहाँ थीटा माना है ना, तो इसलिए अगर ये थीटा हम लोग जनरली इसको मानते हैं, तो मैं वहाँ पर phi मान लिया, तुम डेल्टा मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, गामा मान सकते हो, जो मैंने वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर मेरे को डाउट।